अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्ट ऑन डिमांड। आज हम कोई रेसिपी नहीं लाए हैं बल्कि अनबॉक्स और रिव्यू करने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक चॉपर का। फुल डेमो के साथ बताएंगे कि ये कैसे वर्क करता है, इसके क्वालिटीज़ भी बताएंगे और अगर निगेटिव पॉइंट्स है तो वो भी शेयर करेंगे। अगर आप भी अपने किचन के लिए कोई चॉपर लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। ये प्रोडक्ट हमने परचेस किया था अमेजोन से, प्राइस साइड में मेंशन कर लिया है। काफ़ी अच्छे प्राइस में ये प्रोडक्ट हमें मिल गया था और काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के चॉपर भी हमने सर्च किए थे लेकिन प्राइस काफ़ी ज़्यादा था और वही क्वालिटी हमें लो प्राइस में मिल गई। सबसे अच्छी बात ये चॉपर की ये है, इसका कंटेनर स्टेनलेस स्टील का है। चॉपर खरीदते टाइम बहुत से सवाल होते हैं जो हमारे माइंड में होते हैं, जो हम क्लियर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस बॉक्स में हमें रिसीव हुआ है कंटेनर, लिड, एंटी स्लिप रबर, चॉपिंग ब्लेड विद कवर और मोटर। सबसे पहले बात करेंगे कंटेनर की। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और कैपेसिटी 2 लीटर की है। इसमें दो साइजेस अवेलेबल है, 2 लीटर और 3 लीटर कैपेसिटी का। रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए ये साइज़ परफेक्ट है। एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक कंटेनर ये स्ट्रॉन्ग है, हेल्दियर है और ईजी टू मेंटेन है। कंटेनर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, थोड़ा लाइट वेट है, लेकिन प्राइस के हिसाब से ये ठीक है। इसके साथ आया है ये एंटी स्लिप रबर, ये सिलिकॉन का बना हुआ है और ये शॉक प्रूफ है। इसे इस तरह से अटैच करेंगे तो ये स्लिप नहीं करेगा, लेकिन जब हाई स्पीड पर ये मोटर चलती है तो ये थोड़ा वाइब्रेट होता है और अपनी जगह से स्लिप होने लगता है। अगर मोटर लो स्पीड पर चलती है तो ये वाइब्रेट नहीं होता। अब बात करेंगे ब्लेड्स की। ब्लेड इस तरह से प्लास्टिक से कवर होकर आए थे। जब भी इसे यूज़ करना है निकाल लें और यूज़ ना करना हो तो इसी तरह से लगा कर रख लें। आप देख सकते हैं ब्लेड्स इसके स्टेनलेस स्टील के हैं और काफ़ी शार्प है। प्लास्टिक से अटैच्ड है और जिगजैग मैनर होने की वजह से कोई भी चीज़ कम हो या ज़्यादा आसानी से चॉप हो जाती है। इसके साथ ये एक ही अटैचमेंट आया है। अगर 1 से 2 और अटैचमेंट साथ में होते तो ये चॉपिंग के अलावा और भी दूसरे काम आता। अब बात करेंगे इसके लीड की। तो लीड फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, जिसकी वजह से इसमें देख सकते हैं कि कितना चॉप हुआ है और इस तरह से रबर लगा हुआ है जिसकी वजह से ये कंटेनर पर अच्छे से फिक्स होगा। अब बात करेंगे मेन पार्ट की, जिसमें लगी है 700 वैट की मोटर। इसमें 2 पावर बटन्स लगे हैं जिसमें स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस पर इस तरह का होल बना हुआ है जिससे ब्लेड से अटैच होगा और इसे अटैच करना भी काफ़ी इजी है। अब हम वायर की लेंथ चेक करेंगे। वायर की लेंथ सिर्फ 1 मीटर है। वायर की लेंथ 1 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए थी। अगर प्लग काउंटर टॉप से थोड़ा दूर है तो परेशानी हो सकती है। तमाम पार्ट्स को अटैच करने के बाद कुछ इस तरह का लुक है। काफ़ी क्लासी प्रोडक्ट लग रहा है। अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। अब हम इसमें सबसे पहले खीमा बनाकर देखेंगे। हमने इसमें ऐड किया है 800 ग्राम मटन, जिसे हमने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया। आप इसे कम भी चॉप कर सकते हैं लेकिन इसे बहुत ज़्यादा ना भर लें। अब हम इस तरह से लीड लगाकर इस पर मोटर लगा लेंगे। अब इसे प्लग इन कर लेंगे। पहले हम इसे स्लो स्पीड पर फिर हाई स्पीड पर चलाएंगे। आप देख सकते हैं ना हमने इसे फास्ट फॉरवर्ड किया है ना इसे कट किया है। विद इन 40 सेकेंड्स हमारा 800 ग्राम खीमा बनकर तैयार है। इससे ही आप मोटर की स्पीड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा खीमा बनकर तैयार हुआ है।
अब हम गाजर को चॉप करेंगे। गाजर को छीलकर हम छोटे टुकड़ों में कट कर लिया और अब इसमें ऐड कर लेंगे। गाजर की क्वांटिटी हमने कम ली है। अब हम ये चेक करेंगे कि कम क्वांटिटी में अगर चीज़ लें तो ये कैसे चॉप होता है। गाजर थोड़ा सख्त है, इसलिए जब इसे चॉप कर रहे हैं तो ये थोड़ा वाइब्रेट हो रहा है। आप देख सकते हैं कम क्वांटिटी में होने के बावजूद ये कितना फाइन चॉप हुआ है। इसे क्लीन करना भी बहुत आसान है। अब हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड की है। एक शिमला मिर्च को हमने चार हिस्सों में कट कर लिया था। अब इसे चॉप करके देखेंगे। शिमला मिर्च भी हमारी बहुत अच्छे से चॉप हुई है। प्याज के टुकड़ों को हमने बड़े बड़े हिस्सों में कट कर लिया है। अब हम ये चेक करेंगे कि बड़े टुकड़े अगर डालते हैं तो ये किस तरह से चॉप होता है। सिर्फ 20 सेकंड में हमारी प्याज अच्छे से चॉप हो गई। हमने इसमें ज्यादा क्वांटिटी में गोभी ऐड की है। अब देखते हैं ये किस तरह से चॉप होता है। गोभी भी बहुत अच्छे से फाइनली चॉप हो गई। इसमें आप फ्रूट्स भी चॉप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ड्राई फ्रूट्स किस तरह से चॉप करेंगे। हमने थोड़े से बादाम लिए हैं, ये हम चॉप करके देखेंगे। आप देख सकते हैं कि बादाम इतने हार्ड होने के बावजूद बहुत ही आसानी से चॉप हो गए। 10 से 15 सेकंड लगे इन्हें अच्छे से चॉप होने के लिए। आमतौर पर अप्लायंसेस को ज़्यादा देर यूज़ करने के बाद वो गर्म हो जाते हैं, लेकिन इतनी देर यूज़ करने के बावजूद ये बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह आप किसी और किचन प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह हम ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करें और हमारे कुकिंग वीडियोज़ को भी ज़रूर वॉच करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।